उसका वेट कर रहे हैं, ये रहा माशाल्लाह पानी लेकर आ रहे हैं। तो ये आ रहे भाई। ओ भाई तू क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो तुम्हारी तरफ आ रहा था पानी लेके। मैंने बोला पानी तुम लेकर आओगे, मैं खुद ही आ जाऊँ यहाँ पर तुम्हारी गली तक। यार कल तेरी मैंने एक वीडियो देखी, सरप्राइज ब्लॉग। कहाँ है तेरा सरप्राइज? यार ये तुम सामान वगैरह देख रहे हो था। अच्छा तुम्हें ही मैं पिक करने आया हूँ। आ जाओ भाई, चल चल आ जाओ। अच्छा मैं लेने आया हूँ तुम्हारे साथ ही वीडियो बनानी है, वहाँ काम है, जरूरत पड़ेगी आपकी, माना करो। मुझे लेने आयो? हाँ तुम्हें साथ लेके जाऊंगा भाई, चलो आ जाओ। तो पहले बता दे, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, बैठो शाबाश। ठीक है क्या, बैठो यार। इधर से एलपी की केटल फॉर्म, इस साइड पे सुरमा वाला का। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम यहाँ पर, हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस साइड है, कहाँ पर है, तो हम पहले किसी से पूछेंगे। सलाम वालेकुम, चचू क्या हाल है? चचू सुरमा वाला का केटल फॉर्म किस साइड है? सुरमा वाला जी। कौन से ये इसका मेन गेट कहाँ से? आगे आगे इस तरफ पे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, ओके थैंक यू। मैं साई से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस साइड पर ये मेरे ख्याल में यही है सुरमा वाला का साइड पे गेट है, हम जाएंगे। ये लगा हुआ लोगों आए, हम पहुंच गए हैं। क्या हुआ, परमिशन ली? बोल रहे भाई आप शूट कर सकते हो, संडे का दिन है, परमिशन ले ली है, तो अब हम अंदर जाके शूट करेंगे। आपको हमने बताया था कि कल की वीडियो में कि हम आएंगे, सरप्राइज व्लॉग आपके लिए लेकर आएंगे, तो वो है सरप्राइज ये जगह। जो दोबारा से गाइस, आपको जैसे हमने बताया था कि हम सरप्राइज व्लॉग बनाएंगे, हमने यहाँ विजिट करना था सुरमा वाले केटल फॉर्म में, तो सोचा था कि आगे ईद सीजन आ रहा है तो आप लोगों को कुछ जानवर दिखाए और यहाँ का कुछ एनवायरमेंट बताए। हाँ तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े बड़े और बेहतरीन जानवर है, यकीन जानो हर जानवर दूसरे जानवर से प्यारा लग रहा है, जिसके पास जाओ उससे प्यारा है, जिसके पास जाओ। ये माशाल्लाह यार ज़बरदस्त भाई, मुझे तो वाइट माशाल्लाह मेरा फेवरेट कलर है, बट आपका पता नहीं, जो पसंद आए आपको तो बता देना है। ये है माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह माशाल्लाह ये वाला एक, ये ज़्यादा मुझे वैसे सब में छोटा लग रहा है। खैर लेकिन सारे बड़े यार यहाँ पे जानवर, सारे बड़े जानवर यहाँ पे, छोटा तो मुझे नहीं लग रहा कोई। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा, ये वाला एक से बढ़कर एक माशाल्लाह।
सार भाई बताएंगे। सार भाई आपको वैसे इस लाइन में कौन सा प्यारा कलर कौन सा पसंद है भाई? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ फेवरेट कलर आपको कौन सा, मतलब जानवर जो आपको ज्यादा अच्छा लगा? मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये जो सामने खड़ा हुआ है ये वाला, मुझे ये खतरनाक है। बट ये आपको माशाल्लाह यार ये लंबा, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, इस वाले की लंबाई ज्यादा है। अगर आप फेस भी देखें तो बहुत ज्यादा डेंजर। और कहां यार डेंजर, एक मिनट देखते हैं। नहीं यार, हाँ यार माशाल्लाह जी बेहतरीन बेहतरीन एक माल है यहाँ। अच्छा सारा ही माल है सारा, और फिर अगर देखा जाए तो वहाँ छोटा माल भी। और यहाँ जो माशाल्लाह सफाई है यार, VIP सारा क्रेडिट जाता है इनको, पूरा दिन लगे रहते मेहनत करते। ये हमारे भाई जो कि यहाँ आप यहाँ काम कर रहे हैं, कैसे भाई आप ठीक हैं खैरियत से? अल्लाह का माशाल्लाह। इनकी टाइमिंग क्या है वैसे? संडे को फिलहाल ओपन होता है जी। संडे की टाइमिंग इनकी क्या है वो मुझे पता नहीं, आपको कंफर्म नहीं है? मैंने शायद कहीं पढ़ा था 4 बजे से 10 बजे तक की शायद टाइमिंग है इनकी संडे की, और हर कोई आके विजिट कर सकते हैं ना, कोई इसके चार्जेस वगैरह तो कुछ नहीं है ना? नहीं। ओके ज़बरदस्त हो गया। ओके ब्रो थैंक यू सो मच। एक तो मुफ्ते में हमारे इसरार भाई भाई पहुँच जाते हैं माशाल्लाह। ये कस्टमर रिफ्रेशमेंट, हाँ हमने खाली बताया और भाई हमारे इसरार भाई पहुंच गए। यार भाई प्यास लगी है। हाँ हाँ पियो आप, पियो आप, पियो आप, पियो। ये ले आ भाई को भी ले। अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसके कोई चार्जेस तो नहीं है? नहीं, नहीं। ये माशाल्लाह वजू खान है ना? जी हाँ ये वजू खान है। जबरदस्त यार ये वजू खान है, और माशाल्लाह बराबर में मस्जिद है, हम नमाज भी पढ़ेंगे इधर, टाइम हो गया इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ लेंगे इधर। और ज़बरदस्त यार इन्वायरमेंट है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे फैमिली भी आएगी तो वो भी सेफ है, सिक्योरिटी इनकी ज़बरदस्त है, बाकी सारी साफ़ सफाई का इंतज़ाम तो यार इनका बहुत VIP इंतज़ाम है, जब समझ में आ जाएगा और दिख भी रहा होगा आपको। ये वाला जानवर भाई बहुत गुस्से में देख रहा है, तो गुस्सा आ रहा है, इसके हम वीडियो बना रहे तो बुरा लग रहा है बहुत यार। चलो इसको खाना खाने देंगे, बाद में बनाएंगे इसकी वीडियो। वैसे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा इसके साथ वीडियो बनाओ, लेकिन देखो बहुत गुस्सा कर रहा है, देख रहे हो कि ये भी नॉर्मल साइज़ के जानवर है, काफ़ी तगड़े तगड़े यार इधर तो, काफ़ी तगड़े तगड़े जानवर है। मज़ा आ जाएगा जो भी आएगा ना यहाँ पे, जो जानवरों से प्यार करता है या उनको पता है तो वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ये खैर वीडियो में शायद छोटे दिख रहे हो, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े जानवर है, बट इससे बड़े फिर वो लास्ट में वो हम आपको दिखाएंगे। फिर ये देख सकते हो, अरे माशाल्लाह इसकी हाइट, उसकी हाइट यार माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये तो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, बट आपको अगर दिख रहा ना हो वीडियो में छोटा दिख रहा हो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वाला साइज़ में काफ़ी बड़ा है और माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ हाइट सब कुछ बेहतरीन है यार। ये भाई मुझे ऐसा लग रहा है गुस्सा हो रहा है, खाना खा रहा है, इसको तंग नहीं करेंगे, पता लगे अभी हमारे पीछे जंजीर है थोड़ी सी। कैसे आएंगे भाई, हमने कभी जानवर रखे नहीं है तो हमें अंदाजा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो यार? ये वाले जानवर क्यों अलग है, ये इसकी वजह क्या है? ये घर के पले हुए? अरे माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसीलिए इतने तगड़े तगड़े छोटी हाइट के, देखो इनकी हाइट देखो, छोटी हाइट है और तगड़े और गोरे भाई, कि ये घर के पले हुए जानवर हैं। अम्मा भाई को खिलाती पिलाती होगी। यार मजाक करो, ये घर के पले में बोल रहे भाई यार, हाइट हाइट तो इनकी छोटी है माशाल्लाह, लेकिन जानदार जानवर लग रहे हैं भाई, तो ज़बरदस्त। ये भाई मुझे लगता है रात को यहाँ पे लाइटिंग भी शो वाली होती होगी, यहाँ पे तो लाइटिंग का सेटअप बड़े, हाँ लाइटिंग का सेटअप भी VIP है, लेकिन हम रात तक रुकेंगे नहीं, बिकॉज़ हमने जाना होगा, क्योंकि हमारा घर भी माशाल्लाह डेढ़ घंटे का सफ़र है, हमें घर भी जाना होगा, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, जिसे बताया था वहाँ पर वज़ू खाना है,
और पीछे उसके बराबर में मस्जिद जा नमाज लगाई हुई है मैंने माशाल्लाह मेरे साथ जमात भी करा थी और मैंने नमाज की तैयारी की थी। जो हमारा रास्ता था तकरीबन मेरे ख्याल में घंटा या तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा हमारे को लग गया, घंटा डेढ़ घंटा लगे हमने ये विज़िट करना था। हमारा इरादा था कि आज हम वीडियो शूट करेंगे इधर आकर केटल फार्म, बिकॉज़ आगे सीज़न आ रहा है तो हमने सोचा था कि लोग देखेंगे तो 2022 की। और बाकी आपको इन्वायरमेंट यहाँ का दिख रहा होगा माशाल्लाह, इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट है, तो कोई भी आ सकते हैं विज़िट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं। बाकी इनकी माशाल्लाह कस्टमर की रिफ़्रेशमेंट्स भी है, कस्टमर रिफ़्रेशमेंट भी है, आप आएँ पिएँ खाएँ अपने पैसों का, लेकिन पी सकते हैं इनके पैसों का, बिकॉज़ इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, ये जस्ट कस्टमर की रिफ़्रेशमेंट के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाफ। निकलने वाली करेंगे, बहुत वीडियो शूटियो बना लिए, टाइम लेट हो गया है, ज़्यादा अंधेरे में नहीं जाएंगे। और चाबी भी टूट गई, चाबी टूट गई चाबी टूट गई लोग के अंदर। अच्छा ये नहीं कर यार, चलो कुछ नहीं होता, चलेंगे हम जाएंगे अब इस तरह टूटी हुई चाबी के साथ। भाई चाबी फिर लगाने लगा था, चाबी हमारी ऑलरेडी लगी हुई है, मिलते हैं चलते हैं। ये था हमारा सुरमा वाला का फॉर्म, कैटल फॉर्म। लेकिन यार सबसे मेन बात जो आपको बतानी थी ये कि अगर आप रिटर्न वापसी जाओगे जैसे मिलेनियम वाली साइड या फिर सदर वाली साइड, उसके लिए आपको ये पुल क्रॉस करना होगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। बट इन्होंने बताया कि यहाँ से आप बंदे आओगे थोड़ा पहले, इधर से आप ऊपर जाना है ठीक है, इस वाले पुल को ऊपर जाके फिर आपने वहाँ से घूम कर जो है ना फिर आप जा सकते हैं। वैसे ये आप क्रॉस नहीं कर सकते और ये हाईवे बीच में कोई कट नहीं मिलेगा।